हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V25 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है होम स्क्रीन स्टाइल सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये होम स्क्रीन स्टाइल सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा होम सेटिंग, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन स्टाइल का, इसे सेलेक्ट करना है। होम स्क्रीन स्टाइल के इस पेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो स्टैंडर्ड का, दूसरा ड्रॉअर का। ये दोनों ऑप्शन कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आप इसके बाद जो है ना चेंज करके आप कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपका स्टैंडर्ड के सामने वाले सर्कल पर टिकमार्क लगा रहेगा तो ये सेटिंग आपकी स्टैंडर्ड पर टिकमार्क लगे रहने से कैसे काम करेगी ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी ऐप हैं आपके मोबाइल फ़ोन में, वो आपके ऐप ना आपकी मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप अगर नीचे से ऊपर ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो ऐप का जो पेज होता है वो ओपन नहीं होगा, आपके मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पे सारे के सारे ऐप्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम जो है उसी सेटिंग में वापस जाते हैं अपना होम स्क्रीन स्टाइल में। ठीक है, स्टैंडर्ड पर ऐसे काम करती है। अगर आप इसे ड्रॉअर पर चेंज कर लेते हैं, ड्रॉअर पर टिकमार्क लगाते हैं, तो अब ये सेटिंग कैसे काम करेगी कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो ऐप है ना वो आपकी होम स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे और आप नीचे से ऊपर ऐसे आप स्वाइप करेंगे ना तो आपका ये ड्रॉअर का पेज ओपन हो जाएगा, इसे हम ऐप ड्रॉअर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ड्रॉअर पे टिक मार्क करने से ऐसे काम करेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि दोनों सेटिंग कैसे काम करती है, आप अपने हिसाब से चेंज करके यूज करते रहिए। ठीक है ना, तो अब मैं आपको ये होम स्क्रीन स्टाइल सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है होम स्क्रीन स्टाइल। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।